जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रज प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं बोलिए नारायणं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् पिछली बार हमने उद्धव गीता के का एक इंट्रोडक्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। उद्धव गीता क्या है, यह श्रीमद् भागवत का एक अंश है। श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है, श्रीमद् भागवत की रचना व्यासदेव ने किस प्रकार से की, किस उद्देश्य से की, उनके पीछे क्या प्रेरणा थी, ये सब हमने बताया। श्रीमद् भागवत में ज्ञान और भक्ति दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण है, यह भी हमने बताया आपको। और यह जो प्रणाम मंत्र और शांति मंत्र हमने अभी प्रारंभ में आपको पढ़ के सुनाए, उसका भी अर्थ क्या है, यह हमने देखने का प्रयत्न किया। उसके बाद हमने यह बताया था कि यह जो उद्धव गीता है, यह जो श्रीमद् भागवत है, उसके एकादश स्कंध का कुछ अंश है। दशम स्कंध जो है वह भगवान श्री कृष्ण की लीला है, इसका वर्णन। और उसके बाद में जो एकादश स्कंध प्रारंभ होता है, उसमें प्रारंभ के छह अध्याय, पांच पांच अध्याय, इसमें भगवान श्री कृष्ण की वार्तालाप नहीं है, उसमें नारद और वसुदेव जी का वार्तालाप है। और उस वार्तालाप के माध्यम से पांच मुनियों का, ऋषियों का उपदेश है। वो काफी टेक्निकल है, इसलिए हम उसको छोड़ देते। उसके बाद छठे अध्याय से उद्धव गीता प्रारंभ होती। छठे अध्याय का प्रारंभ, और जो आपको यहां पर जो पुस्तक आप यदि देखेंगे उद्धव गीता, वो जो जहां से स्टार्ट होती है, फर्स्ट चैप्टर यदि कहा गया हो जो भी हो, तो वह फर्स्ट चैप्टर ही है। जो आपकी उद्धव गीता जो पुस्तक आपके पास में है, उसका फर्स्ट चैप्टर एकादश स्कंध का छठा चैप्टर, तो यू आप लोग वहीं से स्टार्ट करें। इसमें प्रारंभ होता है श्री सुखदेव का उवाच, श्री शुक उवाच। और श्री शुक सुखदेव आप जानते हैं, सुखदेव जो है ये एकादश अपने श्रीमद् भागवत को के रचयिता है, वो उन्होंने पढ़ाया। और उसकी भी मैंने पिछली बार कही थी कि व्यासदेव को जब असंतोष हुआ, तो उनको नारद जी ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कीजिए। तब उन्होंने पूरे श्रीमद् भागवत को तैयार किया और इसको सुखदेव जी को सुनाया। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सुखदेव जी परम ज्ञानी, श्री रामकृष्ण भी कहते हैं सुखदेव परम ज्ञानी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। और वर्णन आता है कि जब वे जाकर परीक्षित जो मृत्युशैया पर बैठे हुए हैं, उनको जब वे प्रवचन देना चाह प्रारंभ करते हैं, तो परीक्षित के अतिरिक्त तो वहां पर बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, वशिष्ठ, अगस्त, विश्वामित्र, अत्रि, यानी बड़े बड़े नाम वहां पर सब बैठे थे। उनमें श्रेष्ठ है सुखदेव 12 वर्ष के उम्र के दिगंबर, लेकिन पूर्ण ज्ञानी, जन्म से ही ज्ञानी, यह विशेषता।
बाकी तो तपस्या करके ज्ञानी हुए, ये जन्म से ही ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला का वर्णन करे, कैसा अद्भुत सम्मिश्रण है। ज्ञानी व्यक्ति ही अधिकार है भगवान की प्रेम की लीला का वर्णन। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि याद रखिए, भगवान की लीला को जो रास लीला इत्यादि का वर्णन है, श्री कृष्ण की गोपियों के साथ लीला का वर्णन है, वो चरमोत्कृष्ट है, लेकिन उसको सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। उसके लिए अत्यंत शुद्ध होना पड़ता है, तभी उसके अद्भुत भाव को, प्रेम में सर्वस्व के त्याग के भाव को समझा जा सकता। तो यहां पर सुखदेव जी बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, सामने परीक्षित राजा बैठे हुए हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए हैं। उस सभा में सुखदेव जी आगे कथा कहते हैं। अथ ब्रह्मात्मजय देवे प्रजे शैरावृतोभ्यगात भवश्च भूत भव्ययशो ययो भूत गणैर्वृतः। वे कहते हैं कि अथ यानी अब, यानी भगवान की लीला समाप्त हो गई है, यानी कौरवों का और नाश हो गया है और पांडव भी मारे गए हैं। किसके द्वारा? अश्वत्थामा के द्वारा। कौरव पांडव के सब युद्ध हो गया और पांडवों को, पांच पांडवों को छोड़कर पांडवों की सेना भी लगभग सारी मारी गई। भगवान ने लीला क्या की थी? लीला किया था सबको नाश करना। गीता में भगवान कहते हैं एकादश अध्याय में, भगवान जब अर्जुन घबरा जाता है विश्वरूप देखकर घबरा जाता है, तो भगवान से पूछता है कि आप कौन हैं? तो कहते हैं कालो हम लोक क्षय कृत प्रवृत्त लोकान समा सर्वान समाहर तुम प्रवृत्त। मैं काल हूं, मृत्यु हूं, काल हूं, कालो हम लोक क्षय कृत, लोक का सर्वान लोकान समस्त लोकों को नाश करने के लिए मेरा जन्म। तो भगवान ये भी करते हैं और उसके बाद वे देखते हैं कि ये जो यादव लोग हैं ये भी उद्दंड हो गए, तो कहते हैं इनको भी नाश कर, उनको नाश कौन करेगा, ये तो सर्वे सर्वा हो गए हैं, बाकी इनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं, तो ये जो मर्जी में आए सो करेंगे और मेरे द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, इनका इनको एक दूसरे से लड़ा दें, इस तरह नाश करें। ऐसा वर्णन कई स्थानों पर आता है, मजेदार वर्णन। भगवान जब वन में गए भगवान राम के रूप में, तो खरदूषण लड़ने के आया और खरदूषण के उन्होंने एक वर लिया था, उनको वर मांगा था कि हम किसी दूसरे से न मरें, इस तरह का कुछ वर है। तो भगवान ने ऐसी माया रची, ऐसा डिल्यूजन उनको क्रिएट किया कि उनको उनका दूसरा साथी जो है वह अपना शत्रु या राम दिख रहा। एक व्यक्ति दूसरे से अपने मित्र से लड़ने लग गया, उसको वो राम दिखने लगा और उसको ये राम दिखने लगा कि मेरा शत्रु है, एक दूसरे को उन्होंने मार डाला। तो भगवान यहां भी ऐसा करते हैं, दोनों सब यादवों को भी नष्ट कर दिया। तो अब भगवान लीला संवरण करने के लिए तैयार हो। इसके बाद में है द्वादश अध्याय में लास्ट पोर्शन, उसमें लीला संवरण होता है, लेकिन यहां पर उसकी प्रिपरेशन हो रही और उसमें उद्धव को वो कहते हैं कि उद्धव तुम जाओ और उद्धव जाकर बद्रिकाश्रम में जाकर तुम तपस्या करो। तो उसके जाने के पहले उद्धव उनके पास आते हैं, वो जानते हैं कि भगवान लीला संवरण करना चाहते हैं, इसलिए वो उनसे जाके उपदेश मांगते। तो ये वर्णन इसके आगे प्रारंभ होता है। यहां पर प्रारंभ क्या किया जाता है? प्रारंभ में एक इंट्रोडक्शन, याद रखिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट ग्रंथ प्रारंभ होता है तो थोड़ा सा एक भूमिका बनाई जाती, जैसे कठोपनिषद प्रारंभ हुआ तो वहां पर क्या हुआ, नचिकेता का वर्णन आया, उसके पिता यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में वो ऐसी गायें दे दान कर रहे हैं जो यूजलेस गायें हैं, बूढ़ी बूढ़ी गायें। तब नचिकेता के मन में श्रद्धा हुई, उसने पिता को कहा
पिता ने जाके उसके श्राप दिया कि जा तू नरक अपने यमराज के पास जा, नचिकेता यमराज के पास जाता। ये क्या हुआ? एक प्रिपरेशन, भूमिका बनाई मन को अट्रैक्ट करने। तो यहां पर भी एक छोटी सी भूमिका, ज्यादा नहीं, वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि अथ, अब जब ये सब हो गया, कौरव पांडव का नाश हो गया, तब ब्रह्मा ने आत्मजय ही देवे ही प्रजेश ही आवृत। ब्रह्मा क्या किए? ब्रह्मा उन्होंने आत्मज, उनके जो पुत्र हैं, आत्मज आत्मा से उत्पन्न, ब्रह्मा के पुत्र कौन से? वैसे सारी सृष्टि ब्रह्मा की है, लेकिन जो सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चार जो कुमार हैं, जो ज्ञानी हैं, नारद, इनको ब्रह्मा के पुत्र माना। उसके बाद आत्मजय ही देवे ही, देवताओं के साथ, और प्रजापति, प्रजा प्रजेश ही प्रजापति, मरीचि इत्यादि प्रजापति, मरीचि अपने दक्ष, इन्होंने पहले वर्णन जो इसके पहले अध्याय में आता है उसमें यह है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले सनत कुमार इत्यादि को जन्म का उत्पत्ति की। तो वे तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा हम सृष्टि नहीं करते। बड़ी मुश्किल हुई, मैं तो सृष्टि करना चाहता हूं और ये लोग सृष्टि नहीं करता है, विवाह नहीं करना चाहते, ये तो झमेले में नहीं पड़ना चाहते। अरे भाई नहीं, बिना उसके तो कैसे होगा। तो उसके बाद में वो दक्षादि प्रजापति को दक्षादि प्रजापति जो है उनकी सृष्टि कर। तो इन प्रजापतियों से सारे जगत की सृष्टि हुई, देवताओं की, गंधर्वों की, और ये पशु पक्षियों की, नागों की, सबकी सृष्टि। प्रजेश ही आवृत, उनसे आवृत होकर अभ्यगात आए। कहाँ आए और कहा कैसे आए? भवः, भवः यानी भगवान शंकर, भूत भव्येशो, भगवान शंकर कौन है? भूतकाल और भविष्यकाल के जो ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं। और भूत गणे ही, वो भूत गणों के साथ, भगवान शंकर तो अपने भूत गणों के साथ आएंगे, भूत गणों के साथ आवृत होकर ययो गए। कहाँ गए? आगे चलिए। गंधर्व अप्सरसो नागः सिद्ध चारण गुह्यका, नहीं नीचे, इंद्र, इंद्र भी आए, मरुद भी, मरुदगण भी हैं। ये सब गॉड्स, विभिन्न प्रकार के देवताओं का वर्णन है, अब इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक देवता के अपनी अपनी विशेषता, मानव से थोड़े से सुपीरियर, जैसे अप्सराएं हैं तो अत्यंत सुंदर, अत्यंत रूपवती, अत्यंत मोहक और नृत्य करने वाली। गंधर्व ऐसे कि बहुत अच्छा गा सकते और सुंदर रूप, दिखने में भी सुंदर। इसी प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के देवताओं का वर्णन है। अश्विनी, अश्विनो, अश्विनो यानी अश्विनी कुमार, जो वैद्य, वैद्य श्रेष्ठ। वसव, आठ वसु। रिभु, रिभव। अंगिरस, रुद्र। विश्वे, विश्वदेवा, देवता। साध्या, साध्या यानी एक दूसरे जो साथ में रहते हैं, कलेक्टिवली में रहने वाले। और देवता, अन्य देवता, ये सबके सब यहां पर आए, देवता आए। इसमें कौन से और भी कौन आए? गंधर्व, अप्सरस, नाग, नागाह, सिद्ध चारण गुह्य का, ये सिद्ध चारण और गुह्य ये भी आए। फिर ऋषि आए, पितर आए, स विद्याधर किन्नर, विद्याधर और किन्नर आदि आए। और ये कहां आए? द्वारकाम उपसंजग्म्यु, द्वारका में आए सर्वे कृष्ण दृदिक्षवः, श्री कृष्ण को देखने के लिए। क्यों आए भाई? देखिए, जब श्री कृष्ण की लीला का प्रारंभ हुआ था, तब ये सब लोग, आप लोग, भगवान राम की लीला के समय भी यही बात हुई, कृष्ण की लीला के समय भी यही बात, ये लोग श्री कृष्ण के पास, भगवान विष्णु के पास में सब लोग गए थे, ब्रह्मा और ये सब के सब गए थे। क्यों गए थे? उन्होंने कहा था कि भाई पृथ्वी के ऊपर बहुत कष्ट है, भूभार उतारने के लिए आप अवतार लीजिए। तो जाके उन्होंने भगवान को इनवाइट किया था कि आप प्लीज आइए, भगवान पृथ्वी पे एक में ही आप एक अवतार लेकर संसार में बहुत अधर्म हो गया, अधर्म को दूर कीजिए। अब जब काम हो गया, अधर्म का नाश कर दिया लोगों ने, भगवान ने सबका नाश कर दिया,
अब क्या है, अब भी आना चाहिए। यानी आप किसी को बुलाइए और अपना काम धाम करवा लीजिए, और जब जाने का टाइम हो तो आप गुड बाय भी नहीं कहेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप सब रो, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सब किया। आप उनकी भी स्तुति, पहले जब गए थे तब बड़ी स्तुति कीजिए, आइए 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 आइए। और जब काम हो गया तब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। थैंक्स तो गिविंग होना चाहिए, फिर स्तुति करना चाहिए, जाते समय भी प्रेजेंट इत्यादि देना चाहिए, इत्यादि होना चाहिए। इसलिए वे सब लोग द्वारका गए, द्वारका में गए सर्वे कृष्ण दिदृक्षवाह, श्री कृष्ण को देखने के लिए। अब कितने लोग देखिए, द्वारका में इतने लोग हैं। अयोध्या में भगवान आए थे तो भगवान की स्तुति करने के लिए सब लोग आए। तो जहां पर बड़े बड़े लोग जाते हैं वो विशेष जगह है। द्वारका में इतने देवता इत्यादि आए, अयोध्या में आए, काशी जैसी जगह में आए। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग हमारे घर में लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और फिर एल्बम बना के रखते हैं, एल्बम बना के रखते हैं ना, फोटो रखते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे रंगनाथन जी महाराज आए थे, उदिशानंद जी महाराज आए थे, फलाने महाराज आए थे, सब बताते हैं, देखिए हमारा घर कितना अच्छा। तो ये एक स्वयं का बड़प्पन, हमारे यहाँ वी आर रिलेटेड टू सो मेनी पीपल, कितने बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ पे आए हैं। तब किसी नगर में जाए, फलाना नगर में, उज्जैन में, तो भाई इतने साधु आए। तो इन नगरी की महिमा, घर की महिमा, बड़े बड़े लोग आए हैं, इस प्रकार होती है। तो यहाँ पर द्वारका की महिमा बता रहे हैं कि द्वारका ऐसी है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग इस द्वारका में आए। क्यों आए? क्योंकि भगवान, भगवान माँ नहीं रहती तो कोई नहीं आता। किसी भी स्थान की महिमा होती है भगवान की। भगवान को हटा दीजिए, कोई नहीं आएगा। लोग के व्यक्ति के कारण एकाध कोई महापुरुष होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान है वहां पर, इसलिए सब लोग आए। और क्या कहा, वपुषा ये न भगवान नर लोक मनोरम यशो विते ने लोकेशु सर्व लोकाप लोकामलापहम। क्या किया, कृष्ण दृदिक्षवः, कृष्ण को देखने के लिए आए। और कृष्ण कैसे हैं उसका वर्णन यहां पर करते हैं, येन वपुषा, जिस तनु से, जिस शरीर से भगवान नरलोक मनोरमः। भगवान कैसे हैं, मैंने बताया भग का अर्थ आपको बताया था कि जिसमें समग्र यश ऐश्वर्य वीर्य धर्म वैराग्य और कीर्ति विद्यमान हो उसको हम कहते हैं भगवान। पिछली बार बताया था, ये भगवान जिस वपु से, जिस शरीर में भगवान अवतरित हुए हैं वो है कृष्ण का शरीर। कृष्ण दिदे ये न वपुषा, जिस शरीर से भगवान ने क्या किया, और ये श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं वह है नर लोक मनोरम। जो शरीर भगवान का, श्री कृष्ण का रूप जो है वो नर लोक मनोरम है, और जिसके माध्यम से भगवान ने लोकेशु सर्वलोक मलापम यशो वितेने, जिस शरीर के माध्यम से, जिस अवतार के माध्यम से भगवान में लोकों में समस्त लोकों के मल को नाश करने वाले यश का विस्तार किया, हम देखने का प्रयत्न करेंगे इसका क्या अर्थ। सबसे पहले देखें नरलोक मनोरम, ऐसा शरीर उन्होंने धारण किया जो नरलोक के लिए, मानवों के लिए मनोरम है, मन को रमाने वाला है, मन को प्रिय लगने वाला। भगवान के तो और भी रूप, आप मत्स्य रूप धारण किया, मत्स्य रूप धारण किया, मछली का रूप धारण किया था, कच्छप रूप धारण किया, नरसिंह रूप क्या सर्वलोक मनोरम था? नरसिंह का तो भयानक रूप था, सब लोग डर के भाग गए, तो वो मनोरम रूप नहीं था। परशुराम का रूप भी मनोरम नहीं था, ओ रौद्र रूप था। वामन रूप था, छोटा था, वो भी इतना सुंदर नहीं था, बौने हो गए, ड्राफ्ट। तो हम लोग कहते बौना तो कहीं। श्री कृष्ण का रूप सर्वलोक मनोरम, समस्त लोकों को रमाने वाला, मोहित करने।
भगवान को क्या जरूरत थी कि सर्वलोक मनोरम रूप धारण करें? देखिए, हमारा मन एक तो ज्ञान की ओर जाता है, थोड़ा सा हमें हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारा मन क्या चाहता है। हम लोग कुछ समझना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं या रस चाहते हैं, कुछ भोग चाहते हैं। लेट अस ऑब्जर्व अवर माइंड। हाँ, कभी कभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन रस, हम लोग बुद्धिवादी होते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हो रहा है। जैसे यहाँ पे स्वामी सुहितानंद जी जो आए थे पिछले वर्ष मई महीने में, तो उन्होंने यहाँ लेक्चर में कहा था कई प्रकार के लोग हैं। एक तो है जो जिजीविषु, जो जीने की इच्छा। अधिकांश लोग संसार में भाई किसी तरह से संसार कट जाए, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, कुछ खा पी चले, दो चार रोटी पेट में पड़ जावे, इतने गरीब हैं, स्लम्स में रहते हैं, वो तो जीने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरी कैटेगरी के अधिकांश लोग क्या है, वो है बुभुक्षु, भोग करने वाले, वो संसार में रस लेना चाहते, भोग चाहते। फिर उन्होंने कहा तीसरे लोग हैं चिकित्सु, कर्म करना चाहते, तो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, या फिर ये फैक्ट्री डाली वो फैक्ट्री डाली, तो वेरी एक्टिव पीपल। चौथे प्रकार के हैं जिज्ञासु, जानना चाहते, और पांचवे प्रकार के हैं मोक्षु, जो मुक्त होना चाहते। अच्छा, हमें देखना है कि हम क्या है। हमारे मन में थोड़ी सी जिज्ञासा तो है, जानना चाहते हैं जगत का स्वरूप क्या है, या नहीं तो फिर सुई साइंटिस्ट है तो कुछ रिसर्च करना चाहता है, जानना चाहता है कि इसके पीछे क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, बड़े अच्छे डिपार्टमेंट चढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो रस चाहते हैं, भोग चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जहां कहीं भी सुंदरता हो वो उसके ऊपर आकृष्ट होते हैं। चलो गर्मी के दिन आ रहे हैं, चलो कहाँ चलेंगे, हिमाचल घूमने चलेंगे, अच्छे अच्छे जगह पे जाएंगे, कुफरी जाएंगे, फलानी कहाँ कहाँ पे जगह जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मजा करेंगे। यहाँ जहां कहीं भी सौंदर्य होगा, जहां कवित्व होगा, जहां पर म्यूजिक होगा, वो सब चाहते हैं। जहां कहीं भी रस है, आकर्षण है, मन रमता है, मनोरमम, उन चीजों को चाहते। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने इस अवतार में, श्री कृष्ण के अवतार में ऐसा रूप लिया जो मनोरम है, जिसमें रस पाए व्यक्ति आकृष्ट हो, इतना सुंदर रूप, फिजिकल ब्यूटी। ये मानव शरीर, मानव मन की एक है पिपासा है, सौंदर्य, सुंदर रूप के प्रकृति आकृष्ट होता है। जैसे मानव विकास को प्राप्त करता है तो फिर वो फिर जिज्ञासा की तरफ जाता है, उसके बाद मुक्ति की तरफ जाता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी होती है कि वह सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है, शारीरिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। हमें अत्यंत वर्णन मिलते हैं, राम का भी वर्णन है, नवकंज रोचन कंज मुख कर कंज पदक कंज अरुणम, यानी भगवान के नेत्र जो है कमल के समान, उनका चेहरा कमल के समान, उनके हाथ और पैर कमल के समान, इतने सुंदर। और इस प्रकार श्री कृष्ण का भी अत्यंत सुंदर वर्णन। क्यों? हमारा मन रूप चाहता है, सौंदर्य चाहता है। अगर सौंदर्य ही चाहता है तो श्री कृष्ण के रूप में भगवान के रूप को लो ना। और आप देखेंगे कि गोपियां श्री कृष्ण के रूप पर पागल थी, श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लील झांकियां इत्यादि बनाए जाते। एक रामानुजाचार्य के जीवन में अत्यंत अच्छी घटना का वर्णन आता है कि रामानुजाचार्य एक दिन कोई मेला लगा था, उत्सव था, और वे जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक गाड़ी में, एक बैलगाड़ी थी, एक व्यक्ति बैठा हुआ, अपने सामने एक युवती थी, उसकी पत्नी ही होगी, उसके ऊपर निर्निमेश नेत्र से उसके चेहरे की ओर देख,
लोगों के सामने। अरे ये कैसी निर्लज्जता, उसको जरा भी शर्म नहीं आती कि लोगों के सामने। आजकल तो खैर बात छोड़ दीजिए, वो निर्लज्जता लज्जा सब लोग त्याग दिया है टिकेट उस जमाने में। कोई भी व्यक्ति किसी नारी के प्रति इस प्रकार से आसक्त होकर कंटिन्यूअसली उसके चेहरे पर देख रहा था, रामानुजों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा निर्लज्ज आदमी, जरा भी नहीं इसको सूझता कि सब लोग देख रहे हैं। उसको बुलाया गया, क्या बात है भाई, तुम तो बिल्कुल निर्लज्ज होकर उस स्त्री की तरफ देख रहे हो। कि हाँ, अरे देखिए तो उसकी आंखें कितनी सुंदर है, मैं तो अपनी आंखें हटा ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, रामानुज ने विचार किया, उन्होंने कहा कि अच्छा इससे सुंदर अगर आंखें तुमको दिख जावे तो मैं उसको ही देखते रहूंगा और ये किसी चीज को नहीं देखूंगा। ये है रसिक, ये ऐसे लोग जो रूप चाहते, ऐसे भी मतवाले जिसे कह सकते हैं, रसिक मतवाले। रामानुजाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की, उनकी उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्रभु आपके सुंदर नयनों को दिखा दीजिए। श्री कृष्ण ने उनकी संत की वाणी सुनकर उसको नेत्र का रूप दिखाया। एक बार देखकर वो ऐसे तृप्त हुए कि उसके बाद संसार का रूप ने उसको आकर्षित किया। तो भक्त ये मानते हैं, जितने भक्ति शास्त्र हैं मानते हैं कि भगवान रस स्वरूप भी हैं। वे सौंदर्यता के मूर्त विग्रह भी हैं। मैंने आपको कहा था सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने वो डिवाइन म्यूजिक सुना था और उसके एक एक स्वर सुनकर वे भाव विभोर हो गए थे, तन्मय हो गए थे कि ऐसा सुख और संभव नहीं। तो कर्ण में भी भगवान का अगर वाणी, भगवान के मधुर वाणी सुनाई देवे तो कर्ण तृप्त हो जाएंगे। अगर भगवान के रूप को एक बार देख ले तो हमारा मन भी तृप्त हो जाएगा, नेत्र तृप्त हो जाएंगे। अन्यथा नेत्र कभी देखकर तृप्त नहीं होते। The eyes are not satisfied by seeing. एक चीज देखी दूसरी चीज, दूसरी चीज देखी तीसरी चीज, एक रूप देखा दूसरा रूप चाहता है, तीसरा रूप चाहता है। आंखें भौतिक रूप से संतुष्ट नहीं होती, एक दृश्य देखने से संतुष्ट नहीं होती, दूसरा दृश्य देखने चाहती। एक बार हिमाचल का दर्शन कर लिया, हिमाचल में घूम लिए, उसके बाद लगता है कि नहीं चलो अब हिमालय में उस तरफ जाएंगे, बद्री केदार का दर्शन जाएंगे, या फिर अमरनाथ की तरफ जाएंगे, या फिर नेपाल में जाएंगे, में आंखें कभी तृप्त नहीं होती। कर्ण भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय हियरिंग, आप कितना संगीत सुनिए वो कभी तृप्त नहीं होने वाला। जिह्वा कभी तृप्त नहीं होती, ये सेंसेस जो है वो कभी तृप्त नहीं होती जब तक भगवान से तृप्ति प्राप्त नहीं। तो यहां पर भगवान एक ऐसा रूप लेते हैं कि जिससे मन उनकी ओर आकृष्ट हो जावे। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते हैं माइंड वॉन्ट्स रूप, मन रूप चाहता है, भगवान रूप दे दो। इसीलिए सगुण साकार भगवान के रूप की उपासना आराधना का विधान है, क्योंकि मन निराकार का चिंतन नहीं कर सकता, इसको साकार दे। तो भगवान यहां पर ऐसा रूप आत्म लेकर आते हैं जो नर लोक मनोरम। हमें देखना है, हमें इन्वेस्टिगेट करना है अपने मन को कि क्या हम चाहते हैं, रस चाहते हैं, क्या हम ज्ञान चाहते हैं, हम बोध चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, संसार का मजा लेना चाहते हैं। तो क्या करें, भगवान के उस तरफ मन का मजा लो, उसमें भी मजा है, भगवान ने कितना मजा किया, कितना आनंद किया। भगवान इस रूप में रसीले रूप में प्रकट हुए, उनकी ओर जाओ। तब इस प्रकार से हम ये मन में जो रस है जब तक उसकी तृप्ति नहीं होती तब तक मन बार बार संसार के रस में जाता है और फंसता चला जाता है। या तो विवेक के द्वारा उसको दूर करो या फिर भगवान में रस लेना प्रारंभ करो।
और इसीलिए भगवान की लीला, नाम गुणगान कीर्तन, श्री राम कृष्ण कहते हैं भगवान का नाम गुणगान मधुर रूप से करो, ये उपाय है। और तब जब भगवान के नाम गुणगान और उनके रूप में रस आने लग जाएगा तो संसार का रस जो है वो अलोना हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, नरलोक मनोरम रूप बनाकर सर्वलोक मलापहम यशो वितेने, उन्होंने समस्त लोकों के मल को नाश करने वाले यश का विस्तार किया। भगवान के यश का अगर आप कीर्तन करें, उनको अगर गाएं, श्री राम कृष्ण कहते हैं भगवान के नाम गुण गान कीजिए, भगवान के गुणों की अगर लीला गावें, भगवान की लीला का राम राम नाम संकीर्तन, श्याम नाम संकीर्तन, उनको आप गाएं तो क्या करेगा, तो भगवान के स्मरण से, भगवान की लीला स्मरण से मानव का जो मल है वह दूर होता है। उन्होंने क्या किया, आकर तस्याम विभ्राजमानायाम समृद्धायाम महरिद्धिभिः व्यचक्षता अवतृप्ताक्षा कृष्णम अद्भुत दर्शनम। उन्होंने क्या किया, कहां पे आए, द्वारकाम उपसंगम, द्वारका में आए थे, उस द्वारका का वर्णन करता तस्याम विभ्राजमानायाम, उस द्वारका में, कैसी द्वारका, जो प्रकाशित थी, विभ्राजमान कैसे, समृद्धि से और रिद्धि से, महत रिद्धि और समृद्धि से, रिद्धि और समृद्धि से जो जगमगा रही थी, यानी उसमें क्या है, महान समृद्धि थी और रिद्धियां भी थी, रिद्धि यानी रिद्धि सिद्धि जैसे बोलते हैं, एक फिजिकल ग्लैमर और मेंटल एक्सेलेंस, केवल भौतिक ग्लैमर होवे लेकिन उसमें अगर इंटेलेक्चुअल स्प्लेंडर नहीं होवे तो वो स्थान अधूरा ही है। तो द्वारका जो जगमगा रही थी वो भौतिक समृद्धि भी थी और श्री कृष्ण के कारण भी वह समृद्ध थी। द्वारका का इस प्रकार से वर्णन है और काशी का भी वर्णन है, गोल्डन काशी, आप देखेंगे कई जगह पे है गोल्डन काशी। श्री रामकृष्ण ने देखा, श्री रामकृष्ण जब पहली बार काशी गए थे तो उन्होंने भाव में देखा था कि काशी जो है स्वर्णमयी, भाव में उन्होंने देखा स्वर्णमयी, इसीलिए कहते हैं गोल्डन काशी। अब ये गोल्डन काशी किस दृष्टि से, तो श्री रामकृष्ण ने भाव में देखा तो उसका एक सिंबॉलिक अर्थ तो होगा, क्योंकि बाहरी दृष्टि से तो स्वर्ण मंदिर को छोड़कर जिसके ऊपर स्वर्ण की जिस प्रकार से आपका अपने अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसी प्रकार से अपने विश्वनाथ मंदिर जो काशी में है वह भी स्वर्ण से कवर्ड है, ऊपर सोने की उसमें परतें लगी हुई हैं। कई स्थानों पर इस प्रकार के मंदिर हैं, आप तिरुपति बालाजी में जाइए वह भी ऊपर से उन्होंने जो डोम वगैरह है वो स्वर्ण बना रखा। तो काशी में तो केवल विश्वनाथ मंदिर स्वर्ण मंदिर है, सारी काशी तो नहीं है, लेकिन श्री राम कृष्ण ने भाव में देखा, इसका अर्थ क्या, इसके दो इंटरप्रिटेशन श्री राम कृष्ण के जीवनीकारों ने ही किए हैं। एक तो ये कि आध्यात्मिक दृष्टि से काशी स्वर्णमयी है, और सचमुच आध्यात्मिक दृष्टि से आप जाते ही वहां निश्चित रूप से विशेषता प्राप्त करते हैं। जैसे खैर हम लोग तो डेफिनेटली अनुभव करते हैं कि काशी में ध्यान करना बहुत सरल है, काशी जो है वो इज ए कंट्री अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, इज ए सिटी अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, बिल्कुल ही भिन्न। तो आध्यात्मिक दृष्टि से काशी स्वर्णमयी है। और दूसरा भी एक इंटरप्रिटेशन किया, अब तो खैर बदल गई, लेकिन उस समय था बहुत अच्छे अच्छे मकान थे वहां पर, बहुत अच्छे गार्डन हाउसेस थे, लोगों के रहने की अच्छी व्यवस्था थी, इस प्रकार से वो एक नगर की दृष्टि से भी बहुत एक समृद्ध नगर। तो रिद्धि और सिद्धि दोनों काशी में थी, इसी प्रकार से
द्वारका भी जो है वो समृद्धि और रिद्धियों के साथ में प्रकाशित जगमगा रही थी। व्याचक्षत उन्होंने जाकर क्या देखा, यो देवता इत्यादि गए, उन्होंने कृष्णम अद्भुत दर्शनम, कृष्ण जो अद्भुत दर्शन है, अद्भुत देखने में अद्भुत अत्यंत सुंदर है, ऐसे श्री कृष्ण को अतृप्ताक्षा अवितृप्ताक्षा, ये विशेषण है देवताओं इत्यादि के लिए, उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही, श्री कृष्ण को देखकर आंखें तृप्त नहीं हो रही थी। कई चीजें हैं संसार में जिनको देखते हैं, एक बार देखा, दो बार देखा और उसके बाद में नहीं, श्री कृष्ण को देखा तृप्त नहीं। कई बार कुछ होने भोजन अच्छा बनता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि एक खाया, दो खाया, तीन खाया, फिर भी लगता और खाएं। इसका कोई सात्विक भोजन बनाने वाला भी माता हुए, इतना स्वादिष्ट, एक खाए, दो खाए और खाते चले जाते। इसी प्रकार से ऐसा अद्भुत रूप देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, मन पूर्ण नहीं होता, मन भरता नहीं है, ऐसा अतृप्त नेत्रों से अद्भुत दर्शन वे श्री कृष्ण का करने लगे। भगवान का रूप का वर्णन वही सर्वलोक मनोरम रूप का दर्शन करने लगे। उसके बाद में स्वर्गोद्यानोपगये माल्ये छादयन्तो यदुत्तमम् गीभिश्चित्र पदार्थाभिः स्तुष्टुवोस् जगदीश्वरम्। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्वर्ग उद्यान उपगई ही स्वर्ग के उद्यानों से उत्पन्न हुए फूलों से, माल्य से, मालाओं से, यदु उत्तम, यदुओं में श्रेष्ठ जो भगवान हैं, उनको क्या हुआ, छादयंतः, उनको उन्होंने आच्छादित कर दिया, यानी फूल की मालाएं उन्होंने खूब ऑफर की। और कैसी मालाएं, स्वर्ग के उद्यान में जो पुष्प उत्पन्न हुए थे उनकी मालाएं, अत्यंत सुंदर पुष्प, अत्यंत सुगंध वाले पुष्प, अत्यंत सुंदर रंगों वाले पुष्प की मालाओं से उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया, उनका उन्होंने उनको ऑफर किया। और घी भी चित्र पदार्था भी स्तुष्ट वो जगदीश्वर, श्री कृष्ण जो जगदीश्वर हैं, उनकी घी भी पदार्था भी चित्र पदार्था भी विचित्र पद अर्थों वाले संगीत से, गाने से उनकी स्तुति की, उनकी स्तुति की। पहले तो ये क्या, उसके बाद स्तुति, याद रखिए ये विशेषता है। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, कठोपनिषद में कहीं स्तुति नहीं आएगा, उपनिषद में कहीं स्तुतियां नहीं है, ये पुराणों में विशेषकर ये भक्ति शास्त्रों में है। स्तुतियों का अपना बहुत अधिक महत्व है। जैसे आप किसी को कहिए, हा आप इतना अच्छा कार्य करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप महान हैं, आप में इतने गुण हैं, जिसको भी आप कहेंगे तो प्रसन्न होता। तो यह मानना जाता है कि भगवान भी स्तुति से प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और वर्णन आता है जहां कहीं भी, पुराणों में विशेषकर वर्णन आता है कि भगवान जब आते हैं और लोग खूब स्तुति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर फिर वरदान, अच्छा अच्छा तुमने बहुत स्तुति की, अब वरदान मांगो। तो व्यक्ति को प्रसन्न करने का, भले भगवान प्रसन्न न होवे लेकिन हम तो सोचते हैं कि हम प्रसन्न करें भगवान को, और भगवान की स्तुति करने से हमारा ही कल्याण होता है। याद, भगवान तो स्तुति और निंदा को नहीं चाहते, भगवान उनको क्या है, स्तुति करो तो ठीक है, नहीं स्तुति करो तो ठीक है, भगवान की पूजा करो तो ठीक है, नहीं पूजा करो तो ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन नहीं माने तो कोई बात नहीं, उससे भगवान का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आप नहीं मानोगे तो आपका ही नुकसान होगा, भगवान कुछ नहीं, कभी गुस्से में आके भगवान से ना चल लड़ो, भगवान को क्या लेना देना, तुम नहीं मानते हो तो नहीं मान। भगवान की स्तुति करने से हमारा ही चित्त पवित्र होता है, हमारा ही मन भगवान में लगता है, हम भगवान के निकट जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, चित्र पदार्था भी ही विचित्र पद के अर्थों वाले
यानी विचित्र पदों पद याद रखिए, ये किसी अनेक प्रकार के छंद होते हैं। गीता में जैसे है अनुष्टुप छंद है, जैसे ये है कि जो भी श्लोक जैसे हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, ये जो स्तोत्र श्लोक है वो अनुष्टुप श्लोक। और उसके बाद में आता है दूसरे भी स्तोत्र हमें श्लोक हैं, जैसे ऊर्ध मूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुर व्ययम छंदांस यस्य प्रणाम, ये दूसरा मीटर दूसरा आ गया। वैसे अलग अलग मीटर के, जैसे हमने ये कहा जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरतः, ये दूसरे मीटर का है। इसमें एक लाइन जो इसमें 19 वर्ड्स हैं, दूसरे उसमें 8 होते हैं। बहुत प्रकार के छंद हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के पद यहां पर, यही कहा कि नाना विचित्र पदों और अर्थों वाली, उनके अर्थ भी विचित्र अच्छे अच्छे अर्थ वाली स्तुति से भगवान की उन्होंने स्तुति की। उनके पदार्था भी घी भी श्री कृष्ण की स्तुति लगे। अब देखें स्तुति, और इन स्तुतियों में भी कई बार एक्चुअली जो ग्रंथकार होते हैं वो स्तुति के माध्यम से महत्वपूर्ण दार्शनिक तत्वों का को प्रकट करते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है प्रकट करते हैं, भगवान ये जगत का स्वरूप क्या है उसको प्रकट करते हैं, भगवान की लीला क्या है, सत्य क्या है, इसको सब प्रकट करते हैं। और इसलिए कुछ स्तुतियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, उनके अंदर गहरा भाव होता है, उनमें ज्ञान और भक्ति दोनों का मिश्रण होता है। एक तो भक्ति है ही, और उसमें वो ज्ञान भी वो उसमें डाल देते हैं, कुछ तत्व का विज्ञान भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं देवा उचुहु, देवताओं ने बोला, क्या बोला, नतास्मते नाथ पदारविंदम, ये देखिए छंद बदल गया, नदास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धि इंद्रिय प्राण मनोवचो भी यचिंत्यते हृद्यंतर हृदि भाव युक्त मुमुक्षुभिर् कर्म मयोरुपाशात। पहले श्लोक में कहा गया है कि ते हे भगवान, हे नाथ नाथ संबोधन, हे नाथ हम तुम्हारे पदारविंदम आपके जो चरणारविंद हैं उनको प्रणाम करते हैं। नताह, अब यहां पर भगवान को ते कहा गया, तुम्हारे, और भगवान का हम देखेंगे अधिकांश समय तुम्हारे आते, भगवान को तुम कहा जाता है, और बड़े लोग हों इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो आप, ये भगवान को तुम कहा जाता है, ये निकटता का संबोधन। भगवान हमारे संसार के अन्य लोगों से निकट है। मां को हम कभी तू भी कहते हैं ना, मां को तू कहता, बच्चा तू कहता या तुम कहता है, लेकिन पिता को आप कहते, पिता से दूर है, पिता से डर लगता, लेकिन मां से झगड़ा भी कर सकते हैं, बच्चा मां को मारता भी है, तूने ऐसा क्यों किया, इसे इंटीमेसी का द्योतक है। उसी प्रकार से ये तू तुम शब्द जो है, हम तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते हैं, ये भगवान की इसे इंटीमेसी का द्योतक है। और कैसे कहते हैं, आपके पदारविंद आपके चरण चरण रूपी कमल को हम प्रणाम करते हैं। कैसे करते हैं, बुद्धि इंद्रिय प्राण मन और वचो भी, बुद्धि के द्वारा प्रणाम करते हैं, इंद्रियों के द्वारा प्रणाम करते हैं, प्राण से प्रणाम करते हैं, मन से प्रणाम करते हैं, वाणी से प्रणाम करते हैं। पांच प्रकार से, वाणी से कैसे प्रणाम किया, नमस्ते मुंह से बोले, इंद्रिय से कैसे प्रणाम किया, हाथ जोड़ा आंख बंद की, और प्राण से हमारे प्राण को भगवान को समर्पित किया, मन से मन ही मन निश्चय किया, हमने मन से भगवान को प्रणाम किया, बुद्धि से प्रणाम किया, निश्चय करके बुद्धि से प्रणाम किया। नहीं तो कैसे, ये भी होते हैं कई प्रकार के, एक प्रणाम नमस्ते जी, खड़े खड़े नमस्ते हो गया, हाथ जोड़े लेकिन सिर नहीं झुका, शरीर से प्रणाम हुआ लेकिन अहंकार नीचे नहीं झुका। श्री राम कृष्ण कहते थे कि कलकत्ता के लोगों का प्रणाम जो है ना वो कुल्हाड़ी मार प्रणाम, कुल्हाड़ी मार के नमस्कार मोशाय नमस्कार, नमस्ते महाशय नमस्ते, तो से हाथ उठा के किया, मैं हाथ टू कुल्हाड़ी लेके जब मारते ना हाथ
कहते हैं कि श्री रामकृष्ण ने बंगालियों को प्रणाम करना सिखाया। और गिरिशचंद्र घोष से मिलने जाते थे तो श्री रामकृष्ण ऐसे प्रणाम करते थे। तो गिरीश तो वही ऊपर प्रणाम करने वाले, श्री रामकृष्ण नीचे किया तो वो थोड़ा नीचे करते थे, श्री रामकृष्ण और नीचे प्रणाम करते थे तो और नीचे किया, श्री रामकृष्ण ने झुक के जमीन पर लग के प्रणाम किया। गिरिशचंद्र घोष ने कहा अरे बाबा, उन्होंने मनी मन किया अब इनके से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। श्री राम गिरिशचंद्र घोष कहते थे कि भगवान ने रामावतार में धनुष बाण से जगत को जीता, कृष्णावतार में बांसुरी बजाकर जगत को जीता, और रामकृष्ण अवतार में ये प्रणाम के द्वारा, विनम्रता के द्वारा श्री रामकृष्ण जहां भी जाते थे पहले प्रणाम स्वयं और झुक के प्रणाम करते। कहते हैं बंगालियों को श्री रामकृष्ण ने प्रणाम करना सिखाया, लेकिन बाकी प्रणाम तो एक प्रणाम है, केवल इंद्रियों से हाथ जोड़े, मुंह से बोल दिया नमस्कार जी, लेकिन मन नहीं। मन यानी यहां पर मन बुद्धि जो कहा, तो मन से एक इंटरप्रिटेशन ये भी होता है हृदय, हृदय से यू डोंट फील, आपको हृदय से उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। बुद्धि इंटेलेक्ट, ये दो चीजें अलग, बौद्धिक दृष्टि से आपको कन्विक्शन नहीं है। तो कोई व्यक्ति जो भावुक होता है वो मन से प्रणाम करता है, और जो बुद्धिवादी है वो विचार करके प्रणाम करता है। तो सभी प्रकार से जब गीता में आता है ना, मन एव मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेशय, मुझ में मन भी लगाओ बुद्धि भी लगाओ, यानी भावनात्मक दृष्टि से मुझे प्रेम करो, और बुद्धि यानी मन जो इंटेलेक्ट जो है, बौद्धिक पक्ष है मन का, उसको मन में मुझ में लगाओ, यानी विचार की दृष्टि से निश्चय हो जाना चाहिए कि मैं ही सबको सर्वस्व। तो सभी प्रकार से भगवान को नतास्मते बुद्धि इंद्रिय प्राण मनोवचो भी, हम हमारे सभी मन प्राण से आपको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं ना अपन, अरे भाई मन प्राण से मैं समर्पित। सब लोगों ने मन प्राण से सर्वस्व से भगवान को प्रणाम किया। हमारे यहां पर साष्टांग प्रणाम की पद्धति है ना, ठाकुर को प्रणाम करते हैं स अष्ट अंग, स साष्टांग यानी स अष्ट अंग, आठ अंग। आठ अंग कौन से हैं? हाथ, पैर, घुटने, सीना, सिर, मन और वाणी। सिर लगना चाहिए, सीना लगना चाहिए, हाथ लगने चाहिए, घुटने लगने चाहिए, पैर लगने चाहिए, ये पांच, ये छह, और मन और वाणी। मन से और मुंह से उच्चारण के प्रभु आपको मैं प्रणाम करूंगा, यह हुआ अष्टांग। माताओं के लिए अष्टांग का निषेध नहीं करना चाहिए, माताएं अगर हाथ जोड़कर मन से मुंह से कर देवे तो वो अष्टांग के बराबर होता है। शास्त्र के अनुसार माताओं को करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे वो अगर हाथ जोड़ के कर दे तो उसका फल मिल जाता है, उनकी महिमा, माताओं की महिमा ये। और हमारे यहां तो परंपरा है, यहां भी है, मुसलमानों में भी है, साष्टांग प्रणाम करते करते जैसे गोवर्धन परिक्रमा, या फिर आप चित्रकूट में जाएंगे तो कामदगिरी है, वहां मैं गया हूं, देखा है कि वो पूरा प्रणाम साष्टांग करते हैं, फिर उठते हैं, फिर उस स्थान से फिर साष्टांग करते हैं, ऐसा करते 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 सारे गोवर्धन की प्रणिमा एक प्रकार का तपस्या है। तो यहां पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम आपको सर्वांग से मन बुद्धि इंद्रिय प्राण और वचन वगैरह से प्रणाम करते हैं, कौन से नाथ, तुम्हारे पद अरविंद को, हम तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते हैं। चरण कैसे हैं? यत चिंतयते अंतरहृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्ममय उरुपाशात मुमुक्षुभिः, जो जिनका चिंतन, चिंत्यते चिंतन कौन करते हैं, कर्ममय उरुपाश से मुक्त होने वाले,
कर्म के उरु पाश, उरु यानी भयानक, बहुत डिफिकल्ट, बड़े पाश, बॉन्डेज से जो मुक्त होने वाले व्यक्ति, मुक्ति की इच्छा वाले व्यक्ति, जिन चरणों का हृदय के अंदर ध्यान करते हैं। अब ये उरुपाश, कर्ममय उरुपाश क्या, और कौन लोग मुक्त होना चाहते हैं? क्या हम लोग छूटना चाहते हैं कर्म के पाश से? हम क्या करते हैं? एक कर्म किया, इसके बाद दूसरा चालू, दूसरा कर्म के बाद तीसरा, तीसरा कर्म के बाद चौथा, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट के बाद तीसरा प्रोजेक्ट, बढ़ता चला जाता है। अच्छा ये कर लूंगा, इसको खत्म कर लूंगा, इसके बाद दूसरा नहीं करूंगा, नहीं, चलता चला जाता है, चलता चाहता है, और वह बंधन में बंधते चले जाते हैं। ये कर्म जो है ये हमको बांधता चला जाता है। ये कर लें, थोड़ा काम बचा है कर लें। संसार में तो क्या है, जैसे हुआ पढ़ लिख के, अब मेरे पास लड़के आते हैं यहाँ पे, अभी दो लड़के आए थे, आज सुबह आया था एक, वो IAS की तैयारी कर रहा है, तो उसने कहा एकाग्र नहीं होता मन, ये कुछ है डिस्टर्बेंस है। मैंने कहा थोड़ी बात की, भाई थोड़ा सा रेगुलराइज करो, थोड़ा रेगुलर मेडिटेशन करो, थोड़ा स्वामी विवेकानंद का पाठ करो और तैयारी करो, अच्छे हुआ। तो आता है, वॉलंटियर भी होता है, अच्छा लड़का है, तो आ जाके बोला कि स्वामी जी ये सब करने से क्या फायदा, ये पढ़ लिख के मैं क्या करूंगा, मेरे ड्यूटी क्या है? तो मैंने कहा भाई ड्यूटी है जो सब लोगों की ड्यूटी है, अपने फादर मदर की सेवा करना है, शादी करना है, बच्चे करना है, पैसा कमाना है, ये सभी लोग तो ड्यूटी है, ये ड्यूटी है क्या? क्यों, कोई संतोष नहीं है उसको। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? कितने लोग कर्म के पाश से निकलने का प्रयत्न करते हैं, सोचते हैं उसके लिए भगवान को मुमुक्षु है, मुक्षु से प्राप्त, ये कर्म क्या है? जैसे वो ये पढ़ लिखेंगे, PhD करेंगे या IAS करेंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, उसके बाद तू पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद में फिर शादी होगी, फॉरेन में जाएंगे, माता पिता भी यही चाहते हैं, और माता पिता क्या, बच्चा हो गया उसके बाद में वो पोस्ट रिटायरमेंट कुछ काम ले लेते हैं, तब तक ग्रैंडसन हो गया तो ग्रैंडसन के साथ में रह लेते हैं, और वो ग्रैंडसन जब तक ठीक नहीं होता उनकी ड्यूटी हो गई। ये कर्ममय उरुपाश, कर्म का घना बंधन बांधता चला जाता, बांधता चला जाता। हम सोचते भी नहीं है कि कभी निकलना है कि नहीं। जो निकलना चाहते हैं वे भगवान के पादारविंद को भजन करना चाहते हैं। संसार में अधिकांश लोग नहीं निकलना चाहते। श्री राम कृष्ण बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, कोई निकलना नहीं चाहता, कोई निकलना चाहिए, सब अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, हम बड़े संसार में हैं, बहुत अच्छे हैं, आनंद में हैं, दुख कष्ट आया वो तो आता ही रहता है जी, उसमें क्या। संसार में कर्म जो है वो कर्म से, वासना से कर्म उत्पन्न होता है, कर्म का संस्कार होता है, संस्कार से पुनः वासना होती है, वासना से पुनः कर्म करते हैं, एक साइकिल, और उसमें आदमी बंध जाता है। ये संसार क्या है, ये इसी को बोलते हैं संसार। अविद्या काम कर्म, शंकराचार्य जो को बहुत प्रसिद्ध है, उनका प्रिय है, अविद्या से कामनाएं, कामनाएं से कर्म, कर्म से वासना, और उसके बाद पुनः कर्म, संस्कार, संस्कार से कर्म, ये चक्कर चलता रहता है, और इसमें संसार। और संसार से निकलना है मतलब इसको काटना पड़ेगा, यही तो है संसार से मुक्ति। कितने लोग हैं चाहते हैं इस मुक्ति को? कोई नहीं चाहता, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। और जो लोग चाहते हैं वे अंतर हृदय, आपके हृदय में भावयुक्त ही, भावयुक्त होकर आपके चरणों को, चरणारविंद को वे मन बुद्धि इंद्रिय प्राण वनो भी भावयुक्त, भावपूर्वक प्रेम पूर्वक वे आपके चरणों की स्तुति करना चाहते हैं, उनका चिंतन करते हैं, वे उन भगवान के चरणों को हम नमस्कार करते हैं। इसके आगे का बड़ा सुंदर विषय है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।